Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, I am going to show you this orange glittery double winged eyeliner makeup look. अगर आपको interest है, then please keep on watching. सबसे पहले यहाँ पे मैं एक gel eyeliner use कर रही हूँ. This one is from L'Oreal. तो angle brush के साथ मैं outer V से शुरू करूँगी इसको apply करना. और crease के साथ connect कर लूँगी. सो जस्ट आउटर व्यू पे मैं फिल इन भी करूँगी थोड़ा पोर्शन को विद दैट जेल आईलाइनर. और उसको मैं कनेक्ट कर लूँगी लैश लाइन के साथ. इसके बाद मैं एक पैलेट में से ब्लैक शेडो लेके उसको अप्लाई करूँगी जेल आईलाइनर के ऊपर से. तो इससे जेल आईलाइनर सेट हो जाएगा और बहुत अच्छा जेट ब्लैक फिनिश भी मिलेगा. और उसके बाद मैं जेल आईलाइनर के एज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी विद दैट ब्लैक शेडो. और साथ में मैं क्रीज पे भी थोड़ा सा लेके जाऊँगी ब्लैक शेड को, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़े पोर्शन पे. इसके बाद मैं यूज़ करी हुडा ब्यूटी का कैरेमल ब्राउन पैलेट. और इसमें से जो ऑरेंज ब्राउन काइंड ऑफ शेड है उसको मैं एक स्मॉलर ब्रश के साथ प्लेस करूँगी क्रीज पे. और उसको मैं मिक्स भी कर लूँगी विद दैट ब्लैक जेल आईलाइनर. तो थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को लेके मैं इंटेंसिफाई भी कर रही हूँ क्रीज पे एंड उसको मिक्स कर लूँगी विद माई आउटर वी. इसके बाद जो ऑरेंज कलर का शिमरी शेड है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ फ्लड ब्रश के साथ सेंटर लीड पे और उसको मिक्स कर लूँगी जेल आईलाइनर के साथ. तो यहाँ पे आप चाहो तो फिंगर के साथ भी शेडो को अप्लाई कर सकते हो. एंड उसके बाद जो सेंटर में गोल्डन कलर का शेड है उसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रंट सेक्शन पे विथ अनदर फ्लैट ब्रश. और इसको ओवरलैप कर लूँगी विथ प्रीवियस शिमरी शेड. ब्लैक शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ आउटर वी पे और मिक्स कर लूँगी सेंटर लीड के शेडो के साथ. एंड अगेन क्रीज को थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पे. एक क्लीन ब्रश के साथ मैं क्रीज को और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि और सॉफ्ट लुक मिले मुझे. इसके बाद जेल आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ लैश लाइन के क्लोज, बहुत ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई कर रही हूँ. एंड इनर कॉर्नर को भी मैं यहाँ पे पॉइंटेड क्रिएट कर रही हूँ एज यू कैन सी. एंड लोअर वाटर लाइन पे भी सेम जेल आईलाइनर को अप्लाई कर रही हूँ एज माई काजल. इसके बाद मैं क्रिएट कर रही हूँ सेकेंड विंग जस्ट बिलो द प्रीवियस वन. सो जस्ट आपको एक लाइन खींचना है एंड उसको लैश लाइन के साथ कनेक्ट कर लेना है. सो लोअर लैश लाइन को मैं थोड़ा सा थिकर बनाऊंगी. तो इसके बाद मैं ब्लैक शेडो को फिर से अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए लोअर लैश लाइन को. हाइलाइटर के लिए यहाँ पे कलर वार का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ. इसमें तीन शेड्स होता है तो मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी. दिस इज़ द अमेजिंग हाइलाइटर, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये. और इनर कॉर्नर के साइड पे लोअर लैशेस पे मैं थोड़ा सा वो ऑरेंज शिमर शेड को अप्लाई कर रही हूँ. एंड इसके बाद मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का लेजिट लैशेज मस्कारा. इसमें डबल वॉन्ड मिलता है वॉल्यूम एंड कर्लिंग के लिए सेपरेट. तो अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूँगी विद दैट मस्कारा. दिस इज़ अमेजिंग मस्कारा. एंड इसके बाद मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम दी ब्रांड इन कलर.
सो ये कुछ ऑरेंज कलर के शेड में है और उसको मैं सेंटर लीड पे अप्लाई कर रही हूँ और ये प्रेस्ड ग्लिटर है। एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश लुक। लेट मी नो कैसा लग रहा है आपको ये ओवरऑल आई मेकअप। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज़ फॉर मोर अपडेट। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।